प्रतियोगी को होश नहीं आया तो मारो मैं आग लगा दूंगा, समझ ले। अगर मेरी बेटी को होश नहीं आया तो समझ लेना तो पांचों को मैं जीता करवा दूंगी। अगर हमारे जोगी को होश ना आई ना लगा दे अब तुरे मारो मैं यहाँ आगी तो तुम्हारा पूरा मारो परिपुर जाई। दिमाग खराब कर रहे हैं बेटी, तुझसे कुछ पूछ रहे हो भैया? भैया उठो बिटेवा, हमसे तो हम उठ। भैया उठ बिटेवा, उठी तो हम उठ। हम सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहाँ लपटे? अरे भैया गलत जगह न जायो, अपन मुहारे जाए भैया। अरे बच्चे को रोशनी चली गई भाई। जमायत हो जवान, हम बता कुर्ता टोपी थैली में ढूंढ रहे हैं और बैठ कथा हिया सुन रहे हैं। कहे हो यो बता तुम्हारे कौन बम रही सूझी है? मनाई धारण बेटी, तू इन्हें निर्दोष बताती है? हाँ हाँ। अरे बेटी न जाने मैंने इन संतों को कितना पूरा भला कह दिया है। माँ तुमने उल्टा सीधा कहा है, तुमसे माफी मांग लीजिए। माँ कोई बात नहीं, तू इधर आ, मैं माफी मांगती हूँ। महाराज देखो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। देखो ऐसा है, एक बार माफी हो गया बात खत्म, बात बढ़ाओ ना। अरे लड़ाई वाली बात रख रहो, बात हो गया। देखिए जो निकला बात खत्म, हम तो चुप रहा, बात खत्म हो गई। बेटी ऐसा है महारानी जी, मैंने माफ किया। बड़े भारी बोली हो बाबा, तुम ही गुरु हो, माफ कर दी हो। बेटी ऐसा है, इन संतों को अपने महल लेकर जाओ और अच्छा से अच्छा भोजन इन्हें बना के खिलाओ। खाग मिली, खाना मिली, खाना मिलेगा, भोजन मिली, भोजन मिलेगा। हमको 2 किलो सल्फर, सल्फर 2 किलो जिंक, ये सब मिलेगी। जिंक का सल्फर क्या करेगा? हम लोग उसी का सेवन करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, यूरिया डीएपी भी है। और सुनो हम मच्छर कह के हाथ तक बनाओ खाब है। किसके हाथ तक? कुंवारी कन्या, हम कुंवारी कन्या के हाथ का बनाओ नहीं खाते हैं। जौन राण में हरुआ हुआ है। ए, क्या है? कौन कोई है कि नहीं? नहीं नहीं है तो कर दे अब कर्म कति देर लगे। इके मनाई है मनाई ना, तोरे मने का डरम मारी और तुम जो राणा है हम तुम्हें साथ खाना खा पे ले काम भूखन मरी। चलो चलो महाराज ऐसे करिए आइए। बाबा जी
राजकुमार जी, ये क्या मजाक है? आखिर हमें हमारे गुरु भाइयों के साथ क्यों नहीं जाने दिया? जब से तुम्हें देखा है, सुनिए मेरी बात को, और अब दिल की आती है जख्मी और नजर से मेरा दिल दिया राजकुमार जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? लगता है जवानी के जोश में अपना होश खो रही है। अरे दिखाई नहीं देता, हम एक संत है और संतों से ऐसी बात करते हुए आपको शोभा नहीं देती। सुनिए महाराज, राजकुमार जी तो ये मान ब्रह्मचारी और ये ज्योति है हमारी, जो हमें इस तरह भोग का रोग हो और जाए जप तप तपस्या और मिले खा देखो राजकुमार जी, ये आपका बेहुदा मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। सुनिए, तुमको देख के हो रही क्या माही के घर, जानती हूँ मोहबान नगर धाम है और दिवला छैया के आधार के भैया हो तुम, और जानती हूँ कल ही पागल हो रही है। अरे जादू को उधर बता रही है, लगता है इस जवानी के जोश में तुझे कुछ सोच नहीं देता है। और सुन रही बात, सुनो तुम मेरे दिल के पूरे मनोरथ करो, वरना कहिया मुलाकात करवाऊंगी। बाप की खोपड़ी तेरे जैसे पड़ी, वैसे ही खोपड़ी तेरे पता था। अरे छा रहा है बदन में और मदन का नशा, ब्याह करने के लिए खाए कसम, तो बता दूंगी मां लोग सब भेद ले कहा। अगर मैं आपसे ब्याह करने की कसम खाऊं तो मारो का नक्शा मुझे देगी।
पूरा मारो का भेद मैं तुम्हें बता सकता। देखो राजकुमारी, मुझे सोचने का मौका दो, सिर्फ दो मिनट मौका दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। सोच के बताइए। बात तो बड़ी किसी कह रही है, क्योंकि अगर माड़ो का नक्शा मिल गया तो माड़ो फतेह करने हमें देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम नक्शा के जा रहे हैं, हम सब जान लेंगे कहां कौन सी चीज रखी जाती है और कौन से मकान करिंगा किस कमरे में सोता है, जम्बे किस कमरे में सोता है, सारा भेद हमें मिल जाएगा। इसलिए इस लड़की की बात मान लेना ही हमारे लिए उचित होगा, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। तुम सच कह रही हो? अगर मैंने आपसे शादी करने का वादा किया, कसम खाली, तो आप सचमुच माड़ो का नक्शा देंगी? सच में माड़ो का नक्शा दूंगी। तो ठीक है राजकुमारी जी, मैं वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ कि भाई जिस दिन माड़ो फतेह कर दूंगा, इस माड़ो को धूल में मिला दूंगा, उस दिन आपका डेरा अपने संग लेकर वादा। ओ, लेकिन भिजवा ये बताओ, ये जो सबसे बीच में बैठा है, लंबी सिमोज और राल पर रंगी तलवार धरे बैठा लंबा सजा, ये कौन है? ये हमारे पिता जब्बे हैं। ओ, यही है साला जब्बे। और ये बताओ, जो उसके बगल में राजकुमार जो बहुत ही कड़ी नजरों में दिख रहा है, ये कौन है? ये मेरा भाई भाई करिया है, करूंगा यही है साला करूंगा। साला किसे बोल रहे हो? अरे यार साला तो हुआ, जब मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो मेरी घरवाली हो गई, तो वो मेरा साला नहीं हुआ। और ये बता, जो ये छोटे छोटे राजकुमार अगल बगल बैठे हैं, कौन है? ये मेरे दोनों भाई हैं, सूरज और अनूपी, यानी कि ये भी हमारे साले हुए। और ये बताओ, जो नग्न से बाहर बच्ची कोठरी बनी है, इसमें क्या है? इसमें गोला बारूद है, इसे छुपा दो तो समझो मारे फतेह। गोला बारूद, यानी कि सबसे पहले हमें इस कच्ची कोठरी को उड़ाना होगा। भिजवा, तुमने नक्शा देकर हमारा काम आसान कर दिया, और मैंने कसम खाई है कि जिस दिन मैं फतेह कर लूंगा, उस दिन आपका डोला मैं अपने साथ महोबा लेकर चलूंगा। नहीं जाना। भिजवा कैसी बात कर रही हो? अरे हमने कसम खाई है, कोई खिलवाड़ नहीं किया है। अरे आ जा दिल में, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा तुम्हारा ये मिलाप तो होकर रहेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को मिलने से नहीं रोक सकती, इसलिए हमारे गुरु भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और अब हमें जाने की अनुमति चाहिए। और जिस दिन माड़ो फतेह कर लेंगे, उस दिन आपका डोला। कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपने दिल से भुला देना। नहीं, और कहना है, और ये प्यारी हमारा
कहाँ जाए? चला कहाँ जाए? अरे वह पहाड़ों का। अरे उधर कहाँ चला गया? उधर उधर कहाँ है? उधर कहाँ होएगे? तुम कहाँ गए रहा है? तो साथे आई उतल के उतल कहाँ भाई? हम बच्चे नक्शे बाजू थे दूठे ले लीजिए रहे उनका हिसाब किताब कर चले गए। ये तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर खोपड़ी टांगी है तो पांचो खोपड़ी टंगवैया हो का हो? चले जाओ हियाओ हियाओ तुम का कह के लाए हो? ए हियाओ बड़ी नक्शेबाजी में हो ना, यो बताओ नक्शेबाजी करके का लायो हो? नक्शेबाजी का कह के लाए हो? दरअसल बात ये थी भैया, जब आप लोग चले आए तो जो महारानी की बेटी जिसका नाम निजमा है, उसने मुझे अचानक पीछे खींच लिया, पीछे खींच लिया और मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें जानती हूँ, और कहने लगी अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करो तो हम तुम्हें माड़ों का नक्शा दे देंगे। तो फिर क्या था? अरे नक्शेबाजी में वो दम होती है जो किसी चीज से हासिल नहीं होती। अरे नक्शेबाजी की है तो उसके बदले में ये नक्शा लेकर आया हूँ। रेखा खातिर तुम शादी का वादा कर लियो। अरे रेखा नहीं तो 8-9 हजार में रेखा सारा हुआ था। रेखा नहीं नक्शा मा। अच्छा सर बिल्कुल उल्लू है रही। और भैया नक्शेबाजी में ये नक्शा भैया देखिए नक्शा दिखाओ। अरे पागल देखे तो बड़ी काम की चीज है, इसके जरिए हम लोग मौड़ों पे अच्छी तरीके से चढ़ाई कर सकते हैं। हाँ भैया यही मैंने सोचा कि अगर नक्शा मिल जाएगा तो हमारा मौड़ फतह करने आसान हो जाएगा। चल सीधे चलते हैं चंबे के दरबार। ठीक है बढ़िया। और कांधा बसिया ना पचायो में बैठे हैं, और उधर से संत लोग बाबा लोग देखे गाते बजाते जाते हैं दरबार के अंदर आगे।
हाँ पिताजी, हाँ डॉक्टर, देखो कैसी आवाज आ रही है। जैसे आप क्या क्या है। अरे वाह, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मानव भाग पे महादेवा जी पधारे हैं। कोई बात नहीं, महात्मा जी से मैं अवश्य प्रणाम करूंगा। महात्मा जी मानव दान करूंगा, आवश्य करोड़ प्रणाम। हराम जादो कला दूंगा। हमने आपसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आपने मुझे बाएं हाथ से शुरुआत दिया, बल्कि बाएं हाथ से शुरुआत केवल एक दुश्मन को दिया जाता है। हे बड़मानुष, क्रोध को शांत करो। देखिए, अरे महाराज नाराज काहे को होते हो राजकुमार। देखिए, हमारे दाहिने हाथ पे राम नाम की सुमिरनी है, दाहिना हाथ खाली नहीं है, इसलिए हम लोग बाएं हाथ से आशीर्वाद देते हैं। और देखो, हम लोग दाहिने हाथ से आशीर्वाद इसलिए देते हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम बाएं हाथ से आशीर्वाद इसलिए देते हैं क्योंकि हम दाहिने हाथ से सोचते हैं, इसलिए हमारा हाथ यह शुद्ध है, ये हाथ शुद्ध है, इसलिए हम बाएं हाथ से आशीर्वाद देते हैं। कोई दिक्कत सरे फाने हो तो मुझसे बता दो, ये भी हाथ भगवान बनाया हुआ है, ये भी हाथ भगवान बनाया हुआ है, कोई दिक्कत है। ये ठीक बता रहा है कि ये भी भगवान बनाया हुआ अंग है। ठीक है महात्मा जी, मैं अपनी गलती को क्षमा चाहता हूँ। ठीक है शकुंतला। राजकुमार है मानो, शकुंतला है, कोई बात नहीं है राजकुमार। ठीक है महात्मा जी, आप इस फाइटर के रुकिए, और मैं जा रहा हूँ राज दरबार पिताजी के पास, और पिताजी के पास से लौट कर चंद मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूं। अब सार घर गवा घर में सार सलाह करी तो वही है ना, इनका इतने दबाव दबाव नहीं। देखिए, ये महाराजाओं के लड़के हैं। बड़े भैया, यही एक कलिंगा रहा है। यहाँ सार खरिया बर जतिया कहा पेल दे, लेकिन हम कहने रह दियो तुम का भाई, सब इकट्ठा नहीं करे बिलते वक्त का इंतजार करो, इकट्ठे सबका पेली। बड़ा बहादुर है, अब आवे दियो, कल बलार है सरदन का, बंटवारा नहीं बनना है, आवे दियो, आवे दियो। पिताजी देखो मिन मीनार है अंदर, महात्मा जी पधारे हैं, घर हम सार चिल्ला रहे हैं। पिताजी ये तो अच्छी बात है बेटा, आप इनके दर्शन करते हैं, चलिए पिताजी। हमारे ठाटे पे महाराज जी पधारे हुए हैं। महाराज जी, ये आपको जम्बे नरेश आपको कर दे। ये बताइए, हमने आप लोगों से प्रणाम किया तो आप लोगों ने पांच आशीर्वाद क्यों दिया। देखिए महाराज, मैंने आपके बेटे से बता दिया है, आप जाकर के अपने बेटे से पूछ लीजिए। महाराज, हम लोगों ने जो बात ये आशीर्वाद की है, ये आपके बेटे से हम लोगों ने बता दिया है, आप अपने बेटे से जानकारी कर लीजिए कि हम लोग बाएं हाथ से आशीर्वाद के लिए देते हैं, हम लोग बार बार बता करके अपनी एनर्जी खत्म नहीं करना चाहते। बेटा करिए आगे बढ़ो। हाँ पिताजी, क्या बात है, पांच आशीर्वाद कर देते हैं। पिताजी, महात्मा जी बाएं हाथ से आशीर्वाद इसलिए देते हैं, इनके दाहिने हाथ में राम राम की सुमिरनी रहती है, इनका दाहिना हाथ खाली नहीं रहता है, इसलिए बाएं हाथ से आशीर्वाद देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, महाराज जी आसन ग्रहण कीजिए।